हाँ, वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं थ्योरी पार्ट नंबर 2 पे। तो अभी हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके सर, तो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट क्या होता है आप समझा दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा बेटा और उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ये बोलता है, देखना अगर ध्यान से। मान लीजिए आप कि बच्चों ये एक बिजनेस है, और बिजनेस है किसका, मान लेते हैं अडानी जी का। किसका बिजनेस है बेटा, अडानी जी का। अब ये जो अडानी जी का बिजनेस है ये साल भर ऑपरेट होता होगा, पूरा साल ऑपरेट होता होगा। हमने ईयर ले लिया 1/4/2021 से 31 मार्च 2022, तो ये पूरा साल अडानी जी और उनके बिजनेस ने मिलकर काम करा, और पूरे साल क्या हुआ, बिजनेस ऑपरेट होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, मस्त तरीके से एंड हो गया यार का। ओके, अब एंड में इस पॉइंट पे अडानी जी खड़े होके पूछते हैं, इस पॉइंट पे अडानी जी खड़े होके पूछते हैं कि बताओ बताओ कि मेरे बिजनेस में पैसा कितना बचा। अब किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। अडानी जी ने बोला, अरे कैसे गधे लोग हो, हमने साल भर बैठ के धंधा करा तो हमको ये नहीं बता सकते कि हमारे पास पैसा कितना बचा है। लोग घबरा गए। अब अडानी जी ने बोला कि एक काम करो, एक स्टेटमेंट तैयार करो, एक स्टेटमेंट तैयार करो जो मुझे ये बताए कि मेरे बीते हुए टाइम में, मेरे पास्ट के पूरे एक साल में मेरे बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा हुआ है। तो अडानी जी के बोलने पे यहां पे जाके एक स्टेटमेंट तैयार हुआ, और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया कि साल भर कितना पैसा आया, साल भर कितना पैसा गया और कितना पैसा लास्ट में जाके बचा, ये इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया। अब भाई साहब, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो आपने पहले परफॉर्म करा था, प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो आपने साल भर परफॉर्म करा। ये आप साल भर परफॉर्म करते गए करते गए करते 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 गए, इन सारी एक्टिविटीज को कंसीडर करने के बाद आपने यहां पे क्या करा, एक स्टेटमेंट तैयार करा, और उस स्टेटमेंट को नाम दिया गया मेरे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम दिया गया बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, ठीक है। तो सीएफएस क्या हुआ, सीएफएस इज अ स्टेटमेंट जो हमारी प्रीवियस ईयर में, पिछले की पिछले पूरे साल में जो भी हमने एक्टिविटीज करी उसमें कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसका जो हिसाब किताब हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, सीएफएस। क्या बोल दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब समझना सर, बजट क्या होता है समझना। ये जो पॉइंट है यहां पे अडानी जी ने जब कैश की पोजीशन पता करी तो पता चला कि हमारे पास कैश रखा हुआ था, फॉर सपोज अडानी जी के पास रखा हुआ था 10 करोड़ रुपए। कितना कैश रखा था बेटा, 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ का अडानी जी क्या करने वाले फ्यूचर में देखना। अडानी जी ने इस पॉइंट पे खड़े होके अंदाजा लगाया, बोला कि मैं फ्यूचर में 10 करोड़ में से 2 करोड़ का एक प्लांट खरीदना चाहता हूं। कौन सा प्लांट खरीदना चाहता हूं, मान लेते हैं कॉपर प्लांट खरीदना चाहता हूं, कॉपर प्लांट खरीदना चाहता हूं। फिर अडानी जी ने बोला कि इसमें से मैं 3 करोड़ से क्या खरीदना चाहता हूं, 3 करोड़ से मैं कोई पोर्ट खरीदना चाहता हूं, छोटा मोटा कोई पोर्ट खरीदना चाहता हूं। फिर अडानी जी ने बोला कि बचे हुए 5 करोड़ रुपए में से मैं क्या करना चाहता हूं, फ्यूचर में जाके कोई रेलवे स्टेशन खरीदना चाहता हूं। अडानी जी तो भैया एक्यूशन किंग है, वो तो बना बनाया बिजनेस खरीदने पे बिलीव रखते हैं, वो बिजनेस बनाने में बिलीव नहीं रखते, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ का मैं कॉपर प्लांट खरीदना चाहता हूं, 3 करोड़ का मैं पोर्ट खरीदना चाहता हूं, 5 करोड़ का मैं क्या खरीदना चाहता हूं, एक रेलवे स्टेशन खरीदना चाहता हूं। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पे खड़े होके क्या अडानी जी फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब मुझे बताओ, क्या अडानी जी अपना कैश पता करने के बाद उस कैश का फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे ये बात पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अडानी जी ये पता लगाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हम उस कैश का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करा जाएगा। मेरे बच्चों, जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो कि फ्यूचर में हम पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कहां कहां खर्च करेंगे, कितना पैसा किस किस जगह लगाया जाएगा, इस चीज को बोला जाता है बेटा बजट। क्या बोला जाता है बेटा, बजट।
बजट क्या होता है? बजट हमारी फ्यूचरिस्टिक सोच होती है, हमारी फोरकास्टिक सोच होती है कि फ्यूचर में हम कैसे पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं, कहां कहां पैसा लगाने वाले हैं। तो जहां जहां हम पैसा लगाने वाले होंगे उस जगह को क्या बोल दिया, कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन करने वाले होंगे, इसकी प्रिपरेशन करने को क्या बोल दिया जाएगा, बजट। तो देखो मैंने ये 2 करोड़ का कॉपर और ये सब कुछ बनाया हुआ है ना, ये हकीकत में मैंने बताया कि मैं 10 करोड़ को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ये जो मैंने बना दिया इसको बोला जाएगा कैश बजट, कि मैं अपने फ्यूचर में कैश का कैसे यूटिलाइजेशन करने वाला हूं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मान लो ये है बच्चों एक मान लेते हैं ये एक नॉर्मल डे है। ठीक है, यहां अपन ने बात करी मॉर्निंग से, MORNING मॉर्निंग से लेके अपन ने बात करी नाइट तक। हमने बोला मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपन ने क्या करा इस पूरे दिन में, मान लेते हैं कार चलाई, क्या करा बेटा कार चलाई, शू कार चलाते रहे पूरे टाइम, कार चलाते रहे, कार है सर चूहा है, अरे कार है यार, कार चलाते गए चलाते गए चलाते गए चलाते गए। हमने जाके लास्ट में क्या करा, पता करा कि पूरे दिन में हमारा कितना पेट्रोल खर्च हो गया, क्या हो गया, कितना पेट्रोल खर्च हो गया। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, मैंने बोला कि मैंने कितनी बार पेट्रोल डलवाया था, कितना पेट्रोल खर्च हुआ वो पता चल जाए। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाई इसको मैं क्या बोल दूंगा, पेट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मेरे को क्या बताएगी, पेट्रोल का फ्लो, कितना पेट्रोल आया कितना पेट्रोल गया अपने पूरे के पूरे दिन में। ये स्टेटमेंट मैंने पूरा दिन खत्म होने के बाद बनाई है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर रात में सोचूंगा कि कल के दिन के लिए कल का दिन मेरा फ्यूचर हो गया। हाँ, नेक्स्ट डे मतलब फ्यूचर, नेक्स्ट डे मैं पेट्रोल कैसे यूटिलाइज करूंगा। मैंने बोला कि नेक्स्ट डे में काम करूंगा, बहुत खर्चा हो जाता है पेट्रोल का। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे काम करूंगा, यहां पे है ना थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, मैं बस से कवर कर लूंगा तो मेरा पेट्रोल बच जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना मैं रैपिडो से कवर कर लूंगा तो मेरा पेट्रोल बच जाएगा, और थोड़ी सी जगह पर मैं क्या करूंगा अपना पेट्रोल यूटिलाइज कर लूंगा। तो मुझे बताओ क्या मैंने फ्यूचर का एक बजट बनाया कि नहीं बनाया, मैं फ्यूचर में अपने पेट्रोल का कहां कहां सेव करने वाला हूं, कहां कहां यूटिलाइज करने वाला हूं, मैंने बजट बनाया कि नहीं बनाया। तो जब आप अपने फ्यूचर की तैयारी करते हो, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है मेरे बच्चों बजट प्रिपेयर करना। और इस बजट में आपका ध्यान पेट्रोल पे था तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, पेट्रोल बजट। तो अकॉर्डिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट दो अलग अलग टर्म्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो साल भर आपने कैश में एक्टिविटीज करी, किसी भी नेचर की एक्टिविटी करी, जो भी पैसा का लेन देन हुआ, उसका आखिरी में जाके पूरा साल खत्म होने के बाद जब आप उसका हिसाब किताब बनाते हो तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब पास्ट में जो चीजें हो गई है उसका आप हिसाब किताब बनाते हो, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसी समय जब आप अपने फ्यूचर को देखते हो, भविष्य को देखते हो, और फ्यूचर को देखते हुए एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में हम कैसे कैसे पैसे का यूटिलाइजेशन करेंगे, उस चीज को बोल दिया जाता है कैश बजट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बजट का एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस परफॉर्मेंस, एंड कैश बजट बनता है फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए। अरे हाँ कि ना, चलिए आ जाइए मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला तो हो गया था ये रहा, चलिए आ जाइए। देखिए एमपी में 2016 में आया था, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है अभी, 2016 में आया था, टाइम हो चुका है, बीच में 1-2 साल पेपर हुए नहीं है तो क्वेश्चन आ सकता है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने बोला पीरियड ऑफ टाइम, सबसे पहले कौन से पीरियड को कंसिडर करते हुए आपको बनाना पड़ता है, तो बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज प्रिपेयर फॉर पास्ट टाइम। अरे अभी जस्ट बताया ना मैंने, आपका जो पूरा साल खत्म हुआ उसके बाद बैठ के आपने अंदाजा लगाया ना कि कहां कहां पैसा गया, कहां कहां से पैसा आया, आखिर में जाके कितना पैसा बचा। अडानी जी का पूरा साल बिजनेस करने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया ना कि कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, कितना पैसा बचा। तो पास्ट में जो चीज हो चुकी है उसको कंसिडर करके बनाया जाता है भाई साहब, क्या बनाया जाता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे हाँ कि ना, डन। फिर सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा, कैश बजट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। क्यों बनाया जाता है बेटा, भविष्य के लिए बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है बेटा, भविष्य के लिए, कि फ्यूचर में जाके आप कैसे कैश फ्लो को कैसे कैश का यूटिलाइजेशन करने वाले हो। ओके डन, पहला हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेते हैं ऑब्जेक्ट, इट डिटरमाइन प्रीवियस सोर्सेस ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश। तो ऑब्जेक्ट पर्पस क्या होता है, तो पर्पस ये होता है सर कि आपको पता चल जाए कि हमने पूरे के पूरे साल, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि हमको पता चल जाए कि पिछले बीते हुए साल में हमने कहां कहां से पैसे को इकट्ठा करा था और कहां कहां पैसे को खर्च करा था। तो देखो ये लिखा है सोर्स ऑफ कैश, मतलब कहां कहां से पैसा लेकर आए थे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, एंड
एप्लीकेशन ऑफ कैश, मतलब कहां कहां पैसा लगाया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का टू डिटरमाइन कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ कैश थे, कहां कहां से हम पैसा लेके आए थे एंड क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ कैश थे, कहां कहां हमने पैसे को लगाया। बट कैश बजट का मतलब यह होता है कि हम अपने फ्यूचर को देखते हैं कि फ्यूचर में हम कहां कहां पैसा लगाने वाले हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होता है। यहां बोला इट डिटरमाइंड फ्यूचर सोर्सेस ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, कि फ्यूचर में हम कहां कहां से पैसा लेकर आएंगे एंड फ्यूचर में हम कहां कहां पैसा लगाएंगे। समझने की कोशिश करना। अगर मैं अडानी जी की बात करूं, अडानी जी ने पूरा साल काम करा, ठीक है, मैं डायग्राम ले लेता हूं। अडानी जी ने पूरा साल काम करा, अडानी जी ने यहां पर बैंक लोन लिया था। बताओ लोन कितने का था, मान ले 10 करोड़ का, ठीक है। अडानी जी ने यहां पर एक एसेट परचेज करा था, कितने का परचेज करा था, 5 करोड़ का, ठीक है। हम यहां पे ये पूरा साल खत्म होने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या मैं लिखूंगा कि कहां से पैसा आया था, बिल्कुल 10 करोड़ का बैंक से पैसा आया था, ठीक है। कहां पैसा लगाया, एसेट परचेज करने में लगाया, ठीक है, बिल्कुल ये लिख दूंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने अपने पास टाइम में कहां कहां से पैसे को इकट्ठा करा था, सोर्स ऑफ फंड, एंड कहां कहां पैसे को खर्च करा था, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसके बारे में बताया जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव इन चीजों को पता करना होता है। वहीं पर अगर मेरे बच्चे मैं कैश बजट की बात करता हूं, तो कैश बजट तो फ्यूचर है ना, अभी तो हमारे कुछ हुआ ही नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहां कहां से पैसे को अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे लाइक अडानी जी बैठे हुए हैं एंड अडानी जी सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके दूसरे बैंक से लोन ले लूंगा। तो ये हो गया, मान लेते दूसरा बैंक SBI लोन, SBI बैंक हो गया, ठीक है, पहला वाला लोन किसी और बैंक से था, तो यहां से लोन ले लूंगा। तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जाके मैं कहां से पैसा ले लूंगा एंड फ्यूचर में उस पैसे का क्या इस्तेमाल करूंगा, लाइक यूटिलाइजेशन कैसा होगा, एप्लीकेशन कैसा होगा उस पैसे का। अरे हां कि ना, ठीक है, अच्छा ये एप्लीकेशन स्क्रीन चला गया, ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसा होगा, एप्लीकेशन कैसा होगा उस पैसे का। अरे हां कि ना बेटा, समझ में आई बात की नहीं समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेचर वही बातें बार बार लिखी जा रही, ठीक है। पहले पीरियड टाइम था कि पास्ट टाइम को कंसिडर करके बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्यूचर को कंसीडर करके बनाया जाता है कौन सा, आपका कैश बजट, पहली चीज। सेकंड चीज होगी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पास्ट में हमने कहां कहां से पैसा इकट्ठा करा था, कहां कहां से पैसा खर्च करा, कैश फ्लो का। कैश बजट का ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में हम कहां कहां से पैसा लेके आएंगे, कहां कहां पैसा खर्च करेंगे, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश या यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, ठीक है। नेचर इट एनालाइज प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे बताओ ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आपकी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा कि भविष्य की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा, सर डेफिनेटली ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा साल खत्म होने के बाद बन रहा है ना, तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके बेसिस पे बनाया जाएगा और कैश बजट आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भविष्य की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाया जाएगा, ठीक है, कि आप अंदाजा लगाओगे कि भविष्य की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी ऐसी होने वाली है, देन उसके बेसिस पे आप कैश बजट बनाओगे, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ मेकिंग क्या रहने वाला, इट इज प्रिपेयर टू कंपेयर द टू पीरियड टाइम एंड इट इज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एस्टिमेशन। बेसिस ऑफ मेकिंग मतलब क्या बेसिस रहता है बनाने का और अल्टीमेटली क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि कंपैरिजन कर सके दो पीरियड टाइम का, कि लाइक देख सकते कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बनाया, ठीक है, दूसरा कलर यूज करता हूं, ये वाला, लाइक मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा 19-20 का, ये हो गया हमारा 20-21 का, ठीक है। 19-20 में हमारे कैश फ्लो बचे थे पैसे 2 करोड़, कितने बचे थे 2 करोड़, 20-21 में बचे 3 करोड़। तो बताओ क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पैसा बचा हुआ है, हाँ, कितना ज्यादा बचा, 1 करोड़। तो बताओ क्या मैंने कंपैरिजन कर पाया कि नहीं कर पाया, हाँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपेयर कर सके दो पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है। और वहीं पे कैश बजट को इसलिए बनाया था ताकि आप अंदाजा लगा सको फ्यूचर के खर्चों का, फ्यूचर के एस्टिमेट्स लगा सको, फ्यूचर के अंदाजे लगा सको। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स which you need to retain in your mind. Okay, again, एक बार फटाफट बताता हूं, चलिए से सबसे पहला पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब किस टाइम को कंसिडर करके क्या बनाया जाएगा, बताओ पास्ट टाइम को कंसिडर करके क्या बनाया जाएगा, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्यूचर टाइम कंसिडर करके, सर कैश बजट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था, सर पता चल सके कि पास्ट में हमने कहां कहां से पैसे को लाए थे, कहां कहां पैसा खर्च करा था, कैश फ्लो का। सर फ्यूचर में हमको पता चल सके कहां कहां से पैसा ला सकते हैं, कहां कहां पैसा लगाएंगे, किसका, कैश बजट का, क्लियर। थर्ड पॉइंट नेचर, किस में प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करा, कंसीडर करा जाएगा, सर कैश फ्लो में ना, पुराना है ना, ठीक है। किस में फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करोगे, सर कैश बजट में, सर नया है ना। चौथा बेसिस ऑफ मेकिंग, कहता हूं
कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या आप 2 साल का पीरियड कंपेयर करके पता कर सकते हो कितना फायदा कितना घाटा या क्या क्या चेंजेस है? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैश बजट क्यों बनाते हो? सर, कैश बजट हम कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। कैश बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि पता चल सके कि फ्यूचर के हमारे अंदाजे क्या, फ्यूचर के हमारे एस्टिमेट्स क्या है ना, तो उसके लिए हम बनाते हैं किसको, कैश के बजट को। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं और टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूं। ओके, बाय बाय।